आईटीआई टेक्निकल मास्टर पर मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग आग के बारे में पढ़ेंगे। आग यानी कि फायर। फायर इंडस्ट्रीज के अंदर या अन्य जगहों पे एक मेजर डिस्ट्रक्टिव काउज है, जिसके कारण कम समय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसके लिए इंडस्ट्रीज में आप किसी तरह का कार्य करने के लिए जाते हैं या इंडस्ट्रीज के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो आग से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसके बारे में जानते हों। इसके अलावा रेलवेज की वैकेंसीज एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में भी फायर से संबंधित कई तरह के क्वेश्चंस आपको टेक्निकल में पूछा जा सकता है। तो आइए, किस तरह का क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि फायर क्या होता है, फायर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आग को कितने तरीकों से बुझा सकते हैं, आग कितने प्रकार का होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, किस क्लास के फायर को किस एक्सटिंग्यूशर के द्वारा बुझा सकते हैं, इस तरह का एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं फायर। फायर क्या होता है? फायर अर्थात आग, इसको हिंदी में आग कहते हैं। तो नॉर्मल हम लोग आग के बारे में जानते ही हैं, देखते हैं, बचपन से ही समझते आए हैं कि आग क्या होता है, लेकिन समझना और टेक्निकली उसको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि आग में हवा है, ऑक्सीजन होता है, कम्बस्टेबल मटेरियल होता है, कोई ना कोई जलने वाला कम्बस्टेबल मटेरियल मतलब पदार्थ, कुछ ना कुछ जलने के लिए चाहिए, उस पदार्थ को हम लोग कम्बस्टेबल मटेरियल कहते हैं या ज्वलनशील पदार्थ। इसके अलावा इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि ज्वलन युक्त ताप, वैसा तापमान जिस पे वो कम्बस्टेबल मटेरियल जल सके। तो अगर सिंपली हम लोग कहेंगे, शाब्दिक अर्थों में कहेंगे या इसका डिफिनेशन कहेंगे, तो कह सकते हैं कि फायर इज केमिकल रिएक्शन अमोंग थ्री एलिमेंट, दैट इज कम्बस्टेबल मटेरियल, इग्निशन टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन अर्थात एयर। यानी कि आग कम्बस्टेबल मटेरियल ज्वलनशील पदार्थ, इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन युक्त ताप और ऑक्सीजन अर्थात हवा, इन तीनों के बीच के रासायनिक प्रतिक्रिया को ही आग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब ये तीन एलिमेंट एक साथ कहीं पे भी आते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग आग कहते हैं। यानी कि आप समझ गए, फायर में तीन एलिमेंट होता है, फायर ट्रायंगल भी इसको कहते हैं। फायर ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारे पास तीन एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट रहेगा? यहाँ पे फायर होगा, अगर तीन एलिमेंट आ गए तो आग लग जाएगी। इधर से क्या आएगा, मान लिया सबसे पहले है कम्बस्टेबल मटेरियल, कम्बस्टेबल मटेरियल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ कह सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। यहां पे एयर या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अर्थात हवा भी कह सकते हैं। हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है, नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है उसके अनुसार, तो हवा रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा, और हवा सब जगह है तो ऑक्सीजन भी हर जगह रहेगा। कम्बस्टेबल मटेरियल भी आपको लगभग सब जगह रहेगा, कुछ न कुछ सारे पदार्थ जलने वाले हैं, जलते ही है, लेकिन उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, जो कि थर्ड वन है इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन युक्त ताप, हिंदी में कहेंगे इसको, तो
ज्वलन युक्त ताप, यानी कि वह तापमान जिसके ऊपर कंबस्टेबल मटेरियल जल सके। हर जगह कंबस्टेबल मटेरियल भी है, हवा भी है, सिर्फ और सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर की कमी है। और जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर मिलता है आग लग जाती है। आप अक्सर सुने होंगे इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग की वजह से आग लगते हुए, यानी कि स्पार्क हुआ, इग्निशन टेम्परेचर मिला और आग लग गया। बहुत सारे वस्तु ऐसे भी हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में आने पे भी जल जाते हैं, जैसे सोडियम है, नॉर्मल इन्वायरमेंट टेम्परेचर में आएगा तो जल जाएगा। ऐसे कई पदार्थ हैं जो कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे आने पे जल जाते हैं। उनको प्रिजर्व करने का, रखने का अलग अलग तरीका है। तो आप आग के बारे में समझ गए होंगे आग क्या होता है। अब आग को बुझाते कैसे हैं, कौन कौन सा तरीका होगा जिसके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। जैसे कि आग लगने के लिए तीन चीज चाहिए, ठीक उसी प्रकार तीन मेथड है आग बुझाने का। एक एक करके समझते हैं हम लोग। मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग, मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग यानी कि आग बुझाने का तरीका, आग बुझाने का तरीका क्या क्या होगा। सबसे पहला जो फर्स्ट है उसको हम लोग कहते हैं कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड सेकंड है उसको हम लोग कहते हैं स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड और थर्ड को कहते हैं स्टारवेशन, स्टारवेशन मेथड। इसको आप लोग को हिंदी में भी लिख देते हैं कूलिंग, कूलिंग प्रणाली, स्मूदरिंग प्रणाली और स्टारवेशन, स्टारवेशन प्रणाली। तो क्या होता है ये तीनों प्रणाली कैसे कैसे है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम यानी कि ठंडा करने का सिस्टम। ठंडा करना यानी कि आग से इग्निशन टेम्परेचर को बाहर निकाल देना, यानी कि आग जहां पे लगा हुआ है उसके तापमान को इतना कम कर दें कि आग स्वतः बुझ जाए। टू ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फायर। तो इस सिस्टम से जैसे ही आग बुझाते हैं उसको हम लोग कूलिंग मेथड कहते हैं। बहुत सारे एक्सटिंग्विशर भी कूलिंग मेथड पर कार्य करता है, कुछ परसेंटेज कूलिंग के द्वारा करता है, लेकिन आप नॉर्मली पानी के एक एग्जांपल रख सकते हैं। जैसे ही आप पानी डाल देते हैं आग में, हालांकि क्लासिफिकेशन में अलग अलग होगा, सारे आग बुझाने के लिए पानी नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो क्लास ए फायर है उसको बुझाने के लिए पानी डालते हैं, और पानी जैसे ही डालेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। तो इस तरीके को हम लोग कूलिंग मेथड कहते हैं। सेकंड जो तरीका है उसको स्मूदरिंग मेथड कहा जाता है। स्मूदरिंग मेथड क्या होता है, स्मूदरिंग मेथड यानी कि हवा के संपर्क को आग के विसिनिटी से या आग के एरिया से काट देना, किसी भी माध्यम से हो सकता है। अगर जिस किसी भी माध्यम से हो, अगर हवा का संपर्क आग से काटते हैं और आग बुझती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्मूदरिंग मेथड। जैसे कि ब्लैंकेटिंग कर देते हैं आग पर, या फायर ब्लैंकेट से उसको ये करते हैं, या एक्सटिंग्यूशर AFFF हो गया, DCP हो गया, CO2 हो गया, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो यह भी हवा का संपर्क आग से काट देता है जिसके कारण आग बुझ जाती है। यानी कि जो हवा है उसको हम लोग एक एलिमेंट को बाहर सेपरेट करते हैं। जैसे ही हवा को सेपरेट करेंगे उस तरीका को हम लोग स्मूदरिंग मेथड कहेंगे। और थर्ड वन है स्टारवेशन। स्टारवेशन में हम लोग कम
कम्बसेबल मटेरियल जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको आग के आसपास से हम लोग बाहर हटा लेते हैं, यानी कि फिजिकली इसको हम लोग करते हैं। कहीं भी देखे होंगे जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आग बुझाने के लिए जुटते हैं, तो जहाँ पे आग लगी होती है तो जिस वस्तु में आग लगी होती है उसको छोड़ करके जिस वस्तु में आग लगी हुई नहीं है तो उसके आसपास की वस्तु को खाली कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके लिए ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है और अधिक समय लगता है, लेकिन अगर इस तरीके से आग बुझाया जाए, कम्बस्टेबल मटेरियल को ही हटा दिया जाए आग से, ताकि आग स्वतः बुझ जाए, जल करके खत्म हो जाए, उस विधि को हम लोग स्टारवेशन विधि के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे तीनों विधि एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंप्लीट वीडियो मिलता रहे। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास जाए। थैंक यू वेरी मच।